और कुछ लोग उसमें इस तरह के कमेंट लिख रहे हैं कि जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं है तो विधायकों को क्या वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े इलेक्शन। मैं कर्मचारियों का विरोध हूं, मतलब मेरा कहने का अभिप्राय, मैं बड़ा सीधी से बात कह देता हूं, कई बार अगर कोई अगर ऐसा महसूस करता है कि वो कि भाई तो नौकरी छोड़ करके वो आए तो चुनाव लड़े, स्वागत है, और उनको भी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में उनसे सवाल पूछे जाने पर हिमाचल विधानसभा में एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि यदि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए तो वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ ले और चुनाव जीत कर विधानसभा में आ जाए, फिर उन्हें भी यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस तरह का अभिभाषण यहाँ पर जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाना आपको किस तरह यहां पर लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर यहां पर विधायकों के सैर सपाटे वाले मुद्दे पर जवाब दे रहे थे और उसी समय उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के बारे में कहा कि यदि कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन चाहिए तो वो भी चुनाव लड़ ले, चुनाव जीत ले, जिसके बाद उन्हें भी पुरानी पेंशनों का लाभ सांसदों और विधायकों की तरह मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री जैसे एक बड़े पद पर विराजमान होते हुए उन्होंने कर्मचारियों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।